एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर ने धमाल मचा दिया है। इस फिल्म ने उनकी पिछली फिल्म बाहुबली की तरह ही बम्पर कमाई की शुरुआत कर दी है। फिल्म ने रिलीज के दिन 125 करोड़ का बिजनेस किया है। मीना कुमारी के जीवन पर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए वेब सीरीज की योजना बनाई जा रही है, जिसकी आधिकारिक घोषणा पहले ही हो चुकी है। मीना कुमारी की भूमिका कृति सैनन निभाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स पर दिए बयान पर अभिनेता अनुपम खेर की प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा कि फिल्म को केवल सिनेमाघरों में ही देखना चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर काफी समय से सेलिब्रिटी फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ के साथ डेटिंग को लेकर चर्चा में बनी हुई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। सोनी टीवी की रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में सेलिब्रिटी गेस्ट मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधु और मशहूर डांसर टेरेंस लुईस की उपस्थिति में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। आल्ट बालाजी के रियलिटी शो लॉकअप में जेलर करण कुंद्रा के साथ जेल कैदियों का एक मजेदार सेशन देखने को मिलेगा। घर वालों को उनके पसंदीदा खाने को खाने का मौका दिया गया है। आज एक्टर प्रकाश राज का जन्मदिन है। वे अक्सर कई मुद्दों पर विवादित बयान देकर आलोचनाओं के शिकार रहते हैं। प्रकाश राज अपनी बेबाक राय देने से पीछे नहीं रहते। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को बांद्रा के क्रोम स्टूडियो के बाहर देखा गया, तो उन्होंने ब्लैक कलर का कैजुअल आउटफिट पहना हुआ था। नुसरत भरूचा और सनी कौशल अपने नए गाने क्या यही प्यार है को प्रमोट करते हुए दिखाई दिए हैं। नुसरत ने पिंक कलर का स्टाइलिश आउटफिट पहना हुआ था। शमा सिकंदर को मुंबई की लक्ष्मी इंडस्ट्री के बाहर देखा गया। शमा सिकंदर ने डेनिम आउटफिट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रहे थे।